मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर और भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के पत्र पर तंज कसा है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इमरान प्रताप गढ़ी शेरो शायरी पर ध्यान दे, प्रताप तो हमारे पास है, वो अपनी गढ़ी बचाए। इमरान प्रताप गढ़ी ने पथराव करने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को नफरत की कार्रवाई बताया था, साथ ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लिखे पत्र पर भी निशाना साधा। विधायक शर्मा ने कहा कि आरिफ मसूद, आप अपने पत्र को जरवा कर मरवा कर रख लीजिए, हो सके तो राहुल अंकल को भी भेज दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि गुंडागर्दी करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले, आग लगाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। 20 करोड़ की कोठी कैसे बनी, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतंकी उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। आरिफ मसूद, आप अपने पत्र को एक बार नहीं 6 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो थाने में अलगाववाद फैलाया, वहां आग लगाई, मारपीट की, ऐसे लोगों की जमीन नेस्त नाबूद करना, बिल्डिंग तोड़ना, उनके हाथ पैर तोड़ना, उनको जेल में डालना, उनका जुलूस निकालना और गुंडाओं के मन में सरकार का और पुलिस का भय पैदा करना, ये हमारी ड्यूटी थी जिसको हमने छतरपुर में किया। आप अपने पत्र को जड़वा कर मड़वा कर रख लीजिए और हो सके तो राहुल अंकल के पास भी भेज दीजिए, तो वो भी पत्र को पढ़ लेंगे।